मैं खुद आपको लेकर के हनुमानगढ़ में वहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसका जल्दी से कोई निस्तारण निकालेंगे। ठीक है सर। अगला प्रश्न संख्या 28। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20-21 में प्रदेश को धनराशि निम्न प्रकार से आवंटित हुई। वर्ष 2019-20 8,86,61,000, वे राशि 4,36,00,000। 2020-21 8,45,00,000, वे राशि 5,25,00,000। 2021-22 आवंटित राशि 6,94,00,000, वे राशि 2,28,00,000। जिलेवार आवंटित राशि व व्यय का विवरण परिशिष्ट एक पे संलग्न है। खंड दो, जी नहीं, वर्तमान में योजना अंतर्गत ब्लॉक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। योजना की निगरानी हेतु राज्य स्तर से भी समय समय पे दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये जो आंकड़े हैं 19-20, 20-21 एलोकेशन और एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर है। जो राशि दी गई और खर्च की गई उसमें अंतर है, इस अंतर को पूर्ण कर क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भारत सरकार द्वारा दो चरणों में दी जाती है, 50,00,000 की राशि एक वर्ष में दी जाती है जिसको 25-25,00,000 में दो चरणों में दिया जाता है। प्रथम चरण अप्रैल से लेकर सितंबर तक का और अगला चरण अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। लेकिन मुझे बताते हुए सदन को आपको जानकारी देना चाहती हूँ, 2015-18 के मध्य जो राशि आवंटित हुई थी वो 12,00,000 हुई थी 3 वर्षों में। उस समय इन्होंने सिर्फ 28% राशि खर्च की थी। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद में 2019 से 21 के बीच में कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहाँ पे 11,00,000 राशि आई और हमने लगभग 45% राशि इसमें व्यय की, क्योंकि भारत सरकार समय पे एलोकेशन नहीं करता है, पैसों का आवंटन नहीं करता है। अप्रैल का पैसा सितंबर महीने में अक्टूबर महीने तक आता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि अभी जो चल रहा है फरवरी माह हमारा द्वितीय किश्त आनी चाहिए जो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच आती है, लेकिन सिर्फ 22 जिलों के अंदर प्रथम किश्त आई है, दूसरी किश्त की तो बात ही नहीं करते। और जो प्रोग्राम हमारे हम लोग करते हैं उन प्रोग्रामों के लिए 6 महीने निकलने के बाद भारत सरकार पैसा देता है। जैसे गर्ल चाइल्ड डे अगर हम लोगों को मनाना है तो उसका समय निर्धारित है। हम अगर प्रोग्राम दिल्ली भेजते हैं तो वहाँ से आता है तो वो दिन ही चला जाता है। अगर हमें बच्चियों का स्कूल का प्रवेश उत्सव मनाना है तो वो जुलाई माह में मनता है, उसका पैसा हमारे पास दिसंबर में आता है तो वो प्रोग्राम ही चला जाता है। ये भारत सरकार की जो नीति निर्धारण है इस योजना के तहत, इसके अंदर इस तरह की योजना बना रखी है कि बच्चियों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाना चाहता है। राजस्थान ने पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न लगाया हमारी बहन ने, उन्होंने वो खुद मंत्री थी, सिर्फ 22% 3 वर्षों के अंदर पैसा खर्च किया और हमने लगभग 50% इन 3 वर्षों में कोरोना काल के दौरान भी पैसा खर्च किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 29। अध्यक्ष जी, खंड एक सूरजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भावन एवं अन्य